हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देखेंगे जो हम रेगुलरली देखते हैं, रेगुलरली अभ्यास करते हैं और देखते हैं बार बार। ये फुल फॉर्म्स बहुत सी टाइम पूछी जाती हैं, इवन हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड हम बहुत से एग्जामिनेशन को भी फिल करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RRB से रिलेटेड। तो RRB की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एक तो होती है रीजनल रूरल बैंक। अगर रेलवे की टर्म में बात करूं, दैट इज़ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नेक्स्ट इज़ ALP। तो आपने देखा होगा बहुत से टाइम LP की पोस्ट भी निकलती है रेलवे में। तो ALP क्या होती हैं? असिस्टेंट लोको पायलट। नेक्स्ट इज़ SBI। तो हम बहुत से बार बोलते हैं कि हम SBI में मेरा अकाउंट है। तो SBI क्या है? SBI की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। MBBS, तो इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे पहले बैचलर ऑफ मेडिसिन आएगा, फिर बैचलर ऑफ सर्जरी आएगा। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि ये MBBS बनेंगे या उनके बच्चे बनेंगे, बट दे शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ MBBS आल्सो। MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज़ RTO। हम बहुत से टाइम बोलते हैं कि RTO ऑफिस जाना है, कुछ RC से रिलेटेड कुछ काम करवाना है या अपना लाइसेंस से रिलेटेड कुछ काम करवाना है। तो RTO कौन होते हैं? तो RTO बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। नेक्स्ट इज़ PTO। बहुत बार लिखा होता है, आपने देखा होगा PTO इज़ प्लीज टर्न ओवर। नेक्स्ट इज़ IIT। तो हम बोलते हैं कि दिस IIT हैज़ इंक्ड द पैक्ट विद दिस इंस्टीट्यूशन और वट एवर। सो तो IIT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर IIIT की बात करूँ तो ये है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में से ऑब्वियसली ज़्यादा वेटेज रहती है वो IITs की ही रहती है। नेक्स्ट इज़ NDA। NDA इज़ ए नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत से स्टूडेंट इसकी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं कम एज में ही, जब वो 11th 12th में होते हैं। तो NDA क्या होता है? बेसिकली इट इज़ ए नेशनल डिफेंस एकेडमी। पिन हम बहुत से टाइम यूज़ करते हैं, पिन ATM का पिन क्या है, ठीक है? तो पिन क्या होता है? इट इज़ ए पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर, या कह सकते हैं पर्सनल आइडेंटिटी नंबर ही बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोनों चीज़ें ठीक हैं। और आजकल आप मोबाइल बैंकिंग अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है MPIN। वो क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग के लिए M मतलब मोबाइल, पिन वो सेम आएगा, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। MA मास्टर ऑफ आर्ट। BSF बहुत से टाइम हम ये देखते होंगे, BSF गार्ड्स हैं ये। तो BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट इज़ DDT। तो ये दोस्तों ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए आपको, इट इज़ डाईफिनाइल डाईक्लोर ट्राईक्लोर थीन। ऑप्शन याद रखना है बिल्कुल, डाईफिनाइल डाईक्लोर ट्राईक्लोर थीन। नेक्स्ट इज़ CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत से टाइम हम CID और CBI के बारे में सुनते हैं। तो CBI क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो CID क्या होता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। WHO बहुत से बार ये भी पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CA, तो बहुत से लोग अगर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड होंगे तो उनको तो शायद CA की फुल फॉर्म पता ही होगी। तो CA की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट। तो दोस्तों ये सारी फुल फॉर्म हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर देखते हैं, इसलिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके कि जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं आपको रिमेंबर रह सकें। यहाँ पे आपको आई होप कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आप चाहें तो इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह शेयर कर सकते हैं। आपके शेयर करने से लाइक करने से मुझे एक जस्ट मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं और भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। सो थैंक यू सो मच।